वेलकम बैक टू माई चैनल निशा एंड पिंकी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। आज हम आपको इंगेजमेंट मेकअप दिखाएंगे कि किस तरीके से होगा, आप उसको देखिए। तो गाइज शुरू करते हैं वीडियो, और प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। करते हैं फ्रेंड्स, हमारे मॉडल तैयार है। फ्रेंड्स पहले हम का टोनर लेंगे। स्किन पे अच्छे से सॉल्व होने देंगे इसको, दो तीन सेकंड के लिए बस। स्किन अच्छे से हाइड्रेट होगी। अब हम मॉइस्चराइजर लेंगे। ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, इसमें ये विटामिन ई का है और इसमें ये पीएच वॉल्यूम जो है 5.5 है। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजर है ये, आप इसको यूज़ करके देखिएगा, काफ़ी अच्छा है। काफ़ी अच्छी डीप मॉइस्चराइजर जैसे कह सकते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है उसके लिए बहुत अच्छा है। इनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई है इसलिए मैंने इस वाले को यूज़ किया है। स्किन मॉइस्चराइज हो चुकी है, अब हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्रेप ऑफ नायका का है ये, सिलिकॉन बेस है, काफ़ी अच्छा प्राइमर है ये भी। थोड़ा सा प्राइमर लिया है इसको लगा देंगे, सिलिकॉन बेस पे है, काफ़ी अच्छा है ये प्राइमर। प्राइमर स्किन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, मेकअप करते समय प्राइमर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, इससे जो है मेकअप लेस लगेगा। प्राइमर लग चुका है फ्रेंड्स, प्राइमर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेकअप करने से पहले, इससे जो है स्किन काफ़ी फ्लॉलेस हो जाती है और मेकअप जो है काफ़ी अच्छा लगता है इसके बाद, इसके बिना जो है मेकअप सही नहीं लगता। प्राइमर लग चुका है, अब हम फ्रेंड्स अब हम कंसीलर यूज़ करेंगे। इनके जहाँ जहाँ पिंपल्स हैं वहाँ पर और डार्क सर्कल के लिए कंसीलर को यूज़ करेंगे। ये पैक का कंसीलर लिया है, ये इनकी स्किन से वन टोन अप ही है। देखिए कंसीलर को लगा देंगे। कंसीलर में मैंने हल्का सा सीरम ऐड कर लिया था ताकि वो थोड़ा सा फ्लो लेस हो जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा पैची पैची सा है ये। वैसे तो सही था बट सही नहीं लगा मुझे, तो लगा रही हूँ बस क्योंकि और इसकी जगह कुछ है नहीं, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर लग चुका है, अब हम स्पॉट्स के लिए, जिनके पिंपल्स के स्पॉट्स आए हुए हैं कई जगह पिंपल्स हैं उसके लिए भी हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। मैबलिन का कंसीलर है जो, और ये नोज़ के पास, नोज़ एरिया जहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है इनका, और ये आइज़ के पास मैबलिन का है। इसको डैप टैप करके सही कर लेंगे इसे। देखिए देख सकते हैं आप, स्पॉट्स जो है काफ़ी हद तक छुप चुके हैं, हाइड हो गए हैं फ्रेंड्स। अब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अब हम आई मेकअप पे आ जाते हैं, आई मेकअप करेंगे। इसके लिए सबसे पहला मैं आई पे कंसीलर लगाऊंगी जो कि स्विस ब्यूटी का है। क्लोज क्लोज क्लोज, बेस नहीं लगाएंगे तो आई के जो कलर्स हैं जो हम यूज़ करेंगे आई शेडो वो उभर के नहीं आएंगे, तो बेस हमारा आईज़ के लिए इसलिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है। हमें बेस आईज़ पे ज़रूर लगाना है और वन टोन ऊपर ही लगाना होता है ताकि जो कलर्स हैं वो उभर के आ जाएं। जो हमारे आई शेडो के कलर्स होंगे उभर के आने के लिए हमें बेस की बहुत ज़रूरी ज़रूरत पड़ती है। ये बेस हो चुका है कम्प्लीट आईज़ का, अब हम इस पर बनाना पाउडर का यूज़ करेंगे इसको सेट करने के लिए। सेटल करने के लिए ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसीलर के बाद आईज़ पे जो है सेट कर लीजिए, नहीं तो वो मैशी मैशी हो जाएगा और काफ़ी अजीब सा लगेगा। देखिए फ्रेंड्स अब इनके यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि लाइट इनकी ब्रोज हैं, इस वजह से मुझे ये यहाँ यूज़ करना पड़ेगा ताकि ब्रोज को मैं अच्छे से शेप दे पाऊँ। देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं आईज़ पे। तो वही बनाना पाउडर हल्का सा सेटिंग के लिए दोबारा से, सेट हो चुका है। अब हम बेस के लिए यूज़ करेंगे, मैं ये मेकअप करते हैं। ये स्विस ब्यूटी की मैंने आई पैलेट ली है, इसमें बेस कलर लेंगे हम पहले, उसको टैप टैप करके लगाएंगे। देखिए लगा लेंगे इसको फ्रेंड्स। देखिए जितना अच्छे से आप इसको ब्लेंड करते रहेंगे उतना अच्छा ये उभर के आएगा। हमने ये बेस के लिए ब्राउन शेड का यूज़ किया है, हल्का सा पीची सा है,
देखिए दोनों आईज में हो चुका है। अब फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा डार्क शेड लेंगे जो हम इसके कॉर्नर पे लगाएंगे, उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इस कॉर्नर पे लगाना है, उसे ब्लेंड करेंगे। अब मैंने स्विस ब्यूटी का दूसरा पैलेट लिया है जो कलरफुल है, जो इनकी ड्रेस के अकॉर्डिंग मैं इसमें आई शेडो यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं सबसे पहले लेती हूँ पिंक शेड, इसको बस सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे। सेकंड शेड लेती हूँ मैं ब्लू, पहले दोनों में मैं पिंक लगा लेती हूँ। बिल्कुल आइस की सेंटर में पिंक यूज़ किया है, ये देखिए बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको आई शेडो का मेकअप बता रही हूँ जो कि आइस पे लगेगा शेडोज। ये देखिए, और ये हम एंगेजमेंट मेकअप कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ी सी मेकअप जो है आइस का हैवी रखेंगे। और सेकंड कलर मैं लूँगी ब्लू जो हम यूज़ करेंगे बिल्कुल स्लाइड में। देखिए फ्रेंड्स ये ब्लू शेड ले लिया है मैंने। फ्रेंड्स ब्लू शेड हमने साइड में दे दिया है, अब हल्का सा इस पर येलो टोन देंगे जो कि मैं बिल्कुल आइस के कॉर्नर पे दूंगी। यहाँ पे शिमरी येलो में है, इसको अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे तीनों को ऊपर से, ताकि ये बिल्कुल फ्लॉलेस सा हो जाए और काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं येलो शेड साइड से दिया है, मैं इसमें फिंगर यूज़ करने जा रही हूँ। देखिए फिंगर पे येलो शेड, ये गोल्डन येलो है, ये प्रॉपर येलो नहीं है। और हल्का सा पिंक जो है मैं दोबारा से लूँगी और इसको हाईलाइट के लिए मारूँगी। पिंक ही ज़्यादा है तो पिंक पे ज़्यादा हाईलाइट मारनी चाहिए और इसको ब्लेंड आउट करेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, फ्रेंड्स देखिए आई मेकअप हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स अब आईलाइनर लगाएंगे माइग्लेम का ही कुछ इस तरीके से, इसको मिड से शुरू करेंगे। फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है ये भी आईलाइनर, आप इसको भी देख सकते हैं लेके। ये रोल इन रोल में है, नॉर्मल ब्रश नहीं है, इसमें रोल सा दे रखा है इसमें, वो बहुत ही अच्छा से स्मच से चलता है। आप देखिए काफ़ी अच्छा है ये। फ्रेंड्स आईलाइनर लग चुका है, इसमें जो साइड की विंग्स है इसमें मैं थोड़ा सा इसको जो है स्मच कर रही हूँ इसी के साथ, अच्छे से हो जाए। ब्लू के ऊपर ही कर दिया है ताकि वो स्मच हो जाए और अजीब सा ना लगे। इसकी जो स्मचिंग के लिए स्मच हो जाए, स्मच कर दिया है मैंने। ठीक है विंग्स, अब मैं इसमें आई लैशेस लगाऊंगी। सो अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स आई लैशेस लग चुकी हैं, देखिए आप आईज काफ़ी अच्छी लग रही हैं। ठीक है अब मैं करने जा रही हूँ उनकी आईब्रो फिल, मैं आईब्रो फिल करूँगी। आई नो काफ़ी लोग पहले कर देते हैं काफ़ी लोग बाद में करते हैं, मैं हमेशा ही आईब्रो जब मेरा आई मेकअप हो जाता है आईब्रो फिलिंग तभी करती हूँ। सो सेंटर से शुरू करेंगे, आईब्रो फिल करेंगे और फिर यहाँ लाके इसमें कर देंगे एंड तक। फ्रेंड्स आईब्रो फिल हो चुकी हैं, आई मेकअप कंप्लीट है। अब मैं इसमें हल्का सा जो है जो एक्स्ट्रा है उसको रिमूव कर देंगे, जो यहाँ हमारा गिर गया है इसको हम एक वाइप से क्लीन कर लेंगे इसको, ताकि शेप जो हमारी बिल्कुल सही दिखे आई के नीचे जो भी गिरा है।
साफ करेंगे, क्लीन हो चुका है। क्या होता है ना आई मेकअप करते टाइम वो थोड़ा सा एसेस जो होता है एक्स्ट्रा जो गिर जाता है तो उसको साफ करना ज़रूरी हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम जो है मैं एक चीज़ तो भूली गई जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे शुरू करने से पहले होता है लिप्स पे लिप बाम यूज़ कराना जो कि मैं भूल गई, आप लगा देती हूँ कोई। सो अब हम फ्रेंड्स आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम यहाँ पे मैंने कंसीलर पे एंड किया था, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी फाउंडेशन। फाउंडेशन है हमारा फॉरएवर 52 का, यूज़ करते हैं करेक्ट। कंसीलर लगा चुकी थी मैं और हम फाउंडेशन लगाएंगे। डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ मैं, स्किन पे नहीं लगाया मैंने, डायरेक्ट ही मैं ब्लेंडर से लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप इसकी कवरेज बहुत अच्छी है, और हमेशा जब भी आप फाउंडेशन यूज़ करेंगे आप अपने ब्लेंडर को जो है हल्का सा पानी में डैप करके या भिगो लीजिए उससे डीप करके और फिर इसको यूज़ कीजिए, उससे जो है आपका मेकअप फ्लॉलेस होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारी फाउंडेशन की कवरेज कितनी अच्छी है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कंसीलर, क्योंकि फाउंडेशन या मेकअप करते टाइम हमारे फीचर्स जो है स्किन के वो छुप जाते हैं, तो अब हम इसलिए कंटूर करेंगे। और कंटूरिंग के लिए मैंने शुगर का यूज़ किया है। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से, ब्लेंड मैं इसको इसी से करूँगी। देखिए कंटूर हो चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप नोज की भी कंटूरिंग हो गई है। अब मैं यूज़ करूँगी हल्का सा ये फिनिशिंग लाइन देने के लिए, लाइट कलर का कंसीलर यूज़ करूँगी जो फिनिशिंग लाइन है वो अच्छे से दिख जाए। तो देखिए और नोज़ पे हल्का सा नोज़ पे शार्प करने के लिए बीच में ये देखिए इसको मैं फिंगर से करूँगी टैप टैप, ये देख सकते हैं तो फ्रेंड्स हो चुका है। फ्रेंड्स अब मैं ब्लश यूज़ करूँगी जो पिंक कलर का है, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ करी थी, कोई यूवी करके ब्रांड है उसका, ज़्यादा महंगा नहीं है, रीजनेबल रेट का है, इसमें 4 शेड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। इसको ऐसा करके हल्का सा ब्रश को ऐसा करेंगे। सो आप देख सकते हैं स्माइल, फ्रेंड्स देखिए इसमें काफ़ी अच्छा ये पिंक शेड है, पिंक है इसके सारे चारों के चारों शेड हैं वो बहुत अच्छे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसका लिंक आपको दूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपका इसको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ्रेंड्स ब्लश हो चुके हैं, देखिए काफ़ी अच्छा ब्लश है ये, इसकी पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। अब मैं इसमें हाइलाइटर यूज़ करूँगी, जो कि है फेसेस कैनेडा का गोल्डन शेड, गोल्डन कॉपर है वैसे। हमारा जो है ब्लश वो पहले से शिमरी था तो इसलिए हम इसमें कम ही हाइलाइटर लगाएंगे, एंगेजमेंट है हाइलाइटर ना हो, हाइलाइट हाइलाइट लगना चाहिए ना, सो हमारे जो भी हाई पॉइंट्स हैं। फ्रेंड्स हाइलाइटर हो गया है, आँखों में काजल तो भूल ही गई मैं लगाना, अरे काजल लगा देती हूँ। देखिए बड़े ही आराम से ऊपर हाइलाइटर कंप्लीट हो गया, काजल लग चुका है। वाटर लाइन फ्रेंड्स मैं ज़रा पिंक कलर में और दे रही हूँ ऊपर, ये वाटर लाइन पर पिंक कलर दिया है मैंने काजल के साइड से। देखिए फ्रेंड्स इससे जो है ना वाटर लाइन पर देने के बाद काफ़ी अच्छा मेकअप और आइज जो है उभर के आती हैं, काफ़ी अच्छा मेकअप लगता है। हाँ देखिए फ्रेंड्स हो चुका है, मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ जो कि लॉरियल का है डबल वाला, आप देख सकते हैं इसमें वाइट भी है पर मैं वाइट का यूज़ नहीं करूँगी, प्राइमर का डायरेक्ट मस्कारा यूज़ करूँगी मैं, ताकि आई लैशेज जो है हमारी आई लैशेज जो फॉल्स आई लैशेज है उनसे चिपक जाएँ, समझ हो जाए वो तो नहीं कह सकती। फ्रेंड्स मेकअप जो है कम्प्लीट हो गया है, अब हम बस जरा सा एक चीज़ रह गई है, ब्रोस के नीचे हाईलाइट नहीं किया है वो हाईलाइट कर देते हैं। स्विस ब्यूटी का ये कलर ले लिया है मैंने सिल्वर कलर का, उससे यहाँ पे हाईलाइट देंगे, देखिए थोड़ा सा बस देख सकते हैं फ्रेंड्स,
ठीक है। अब लास्ट रह जाता है हमारा, अभी नोज़ पे थोड़ा सा हाईलाइट और करेंगे क्योंकि नोज़ हमारी जितनी हाईलाइट मारेगी उतनी अच्छी लगेगी। सो हाईलाइट करते हैं नोज़ को अच्छे से। देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब हम रह गया हमारा लिपस्टिक, हम लिपस्टिक लगाते हैं फ्रेंड्स। आउटलाइन देंगे हम जो कि स्विस ब्यूटी की है। लुक हो गया है, देखिए आप, एंगेजमेंट लुक है ये, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आप चाहते हैं कि मैं और भी कुछ लुक लाऊं और आप मुझे क्रिएट करने के लिए कुछ बताना चाहते हैं, आप इस तरीके इसका क्रिएट करिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कमेंट क्रिएट करके ज़रूर बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेकअप अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।